तो बच्चे आज का अपना टॉपिक रहने वाला है ट्रेकियोस्टोमी। ट्रेकियोस्टोमी पूरी डिटेल में पढ़ेंगे आज अपने। ट्रेकियोस्टोमी से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के अंदर ये ट्यूब डाल रखी है जिसको अपने बोलते हैं ट्रेकियोस्टोमी। दो डायग्राम आपको डिफरेंट डिफरेंट डायग्राम के अंदर दिख रहा है, एक के अंदर स्टोमा किया हुआ है, दूसरे के अंदर ट्यूब से कनेक्ट भी कर रखा है, सक्शन मशीन से कनेक्ट कर रखा है। और अपने देखे तो ऑक्सीजन सिलेंडर उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, सेक्शन भी अपने करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ट्रेकियोटोमी का मतलब क्या होता है। ट्रेकियोटोमी का मतलब क्या होता है? इट मीन्स सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के अंदर ओपनिंग करना ही क्या कहलाता है? ट्रेकियोटोमी कहलाता है। टोमी मीन्स ओपनिंग। दूसरा बच्चे ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी का मतलब है क्रिएशन ऑफ स्टोमा एट द स्किन सरफेस विच लीड टू इन टू ट्रेकिया। यहाँ पे स्टोमा है वो अपने क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट डायग्राम के अंदर स्टोमा फिक्स करके छोड़ रखा है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ट्रेकियोस्टोमी। पर्पज क्या होता है, क्यों करते हैं अपने ट्रेकियोस्टोमी? तो फर्स्ट वन यहाँ पे पर्पज देखें बच्चे, सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द ट्रेकिया टू प्रोवाइड एंड सिक्योर ओपन एयरवे। ओपन एयरवे के लिए अपने क्या करते हैं, एयरवे को मेंटेन रखने के लिए, वो पर्सन जो सेल्फ रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीजन की प्रॉपर सर्कुलेट नहीं है बॉडी के अंदर, दैट टाइम अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रेकियोस्टोमी के थ्रू अपने को पेशेंट को क्या करना पड़ता है, ओपनिंग करके ऑक्सीजन सिलेंडर से सेक्शन भी करना पड़ता है कैथेटर डाल के। जैसे कि सीओपीडी का पेशेंट है, लंग्स कैंसर का पेशेंट है, उनको अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चे मेंटेन आर्टिफिशियल एयरवे फॉर लॉन्ग टाइम और मोर देन 21 डे। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक, पेशेंट है कोमा में चला गया, ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ेगी, ठीक है, सीओपीडी का पेशेंट है, जल्दी से ठीक होता ही नहीं, रेयर चांस में ठीक होता है, तो उसको भी अपने को ट्रेकियोस्टोमी। तो 21 दिन से अगर ज़्यादा आपको आर्टिफिशियल एयरवे मेंटेन करना है तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ेगा। नेक्स्ट बच्चे रिमूव द एक्सेस सिक्रीशन फ्रॉम द एयरवे। अब बहुत सारे पर्सन है सीओपीडी का हो गया, लंग्स कैंसर का है, उनके कफ इतना ज़्यादा बनता है कि वो सेल्फ बाहर नहीं निकाल पाते हैं, देन अपने को क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी के थ्रू अपने कैथेटर इंसर्ट करते हैं और उससे सक्शनिंग करके अपने क्या करते हैं, जो भी कफ होता है उसको बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट है बच्चे यूज फॉर कनेक्ट वेंटिलेटर इफ 82 आर नॉट टॉलरेंट बाय पेशेंट। क्योंकि 82 आपने देखी हुई बच्चे, 82 कहाँ से डाली जाती है, माउथ के अंदर से डाली जाती है। 21 दिन तक अपने 82 डाल सकते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं जिसको, 21 दिन तक माउथ से डाल सकते हैं। आपने बहुत बार आईसीयू में देखा होगा पेशेंट को माउथ के अंदर से एक ट्यूब जाती है जिसको बोलते हैं 82 एंडोट्रेकियल ट्यूब। लेकिन लॉन्ग टाइम तक 82 को पेशेंट एडजस्ट नहीं कर पाता है, सहन नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ता है। नेक्स्ट है बच्चे इट मे बी परमानेंट और टेम्परेरी। बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट को टेम्परेरी रखते हैं, बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें परमानेंट लगा के रख देते हैं। क्या लगा के रख देते हैं, परमानेंट है, ट्रेकियोस्टोमी लगा के रख देते हैं। इंडिकेशन देखें कौन सी कंडीशन में करते हैं अपने, एनाफाइलैक्सिस की कंडीशन है जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, उस कंडीशन में अपने को मेंटेन करना पड़ता है। बर्थ डिफेक्ट ऑफ एयरवे प्रॉपर मेंटेन ही नहीं है पेशेंट का, जन्म सही, उस कंडीशन में करना पड़ता है। नेक्स्ट है बर्न ऑफ एयरवे फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ कोरोसिव मटेरियल, मतलब ओरल कैविटी है वो बर्न हो गई है इनहेलेशन करने की वजह से, तो उस कंडीशन में भी अपने को क्या करना पड़ता है, ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ता है। कैंसर इन द नेक, नेक में कैंसर है तो ट्रेकियोस्टोमी लगानी पड़ती है। क्रोनिक लंग्स डिजीज जैसे कि सीओपीडी हो गया, लंग्स कैंसर हो गया, कोमा की कंडीशन में करना पड़ता है। डायफ्राम डिसफंक्शन, मतलब डायफ्राम या जिसके थ्रू अपने क्या करते हैं, आपके लंग्स अप डाउन जाते हैं और आप रेस्पिरेशन मेंटेन करते हो, डायफ्राम प्रॉपर काम नहीं करेगा तो भी आप सांस नहीं ले पाओगे, उस कंडीशन में ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है। फेशियल बर्न और सर्जरी है उसके अंदर करनी पड़ेगी। इंजरी टू लेरिंग्स या लेरिंगोटोमी कराई, आपने लेरिंग्स की रिमूव करवाया है, उस कंडीशन में भी ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ता है। चेस्ट वाल इंजरी हुई है जिसकी वजह से आप देखो कई बार बहुत ज़्यादा चेस्ट पे जोर से लगती है, जब आप सांस लेते हो तो दर्द होता है, तो उस कंडीशन में आर्टिफिशियल एयरवे मेंटेन करना पड़ता है।
नीड फॉर प्रोलॉन्ग्ड रेस्पिरेटरी और वेंटिलेटर सपोर्ट। एक पेशेंट है जैसे कि कोरोना में था, तीन तीन महीने बहुत सारे पेशेंट वेंटिलेटर पे रहते, सी पे बाई पेप का सहारा देना पड़ा था उनको, तो उनको ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है। ऑब्स्ट्रक्शन इन एयरवे बाय ऑर्गन मटेरियल, कुछ ऐसा मटेरियल है जो गले के अंदर फंस गया जहाँ पे ट्रेकिया की ओपनिंग है, तो अपने क्या करते हैं सेकंड और थर्ड रिंग के ऊपर क्या करते हैं ओपनिंग करके एयरवे मेंटेन करते हैं। ये ध्यान रखना इंडिकेशन है, यहाँ से कई बार तीन इंडिकेशन डाल के एक नॉर्मल इंडिकेशन पूछ लेते हैं, इन कंडीशन में अपन ट्रेकियोस्टोमी करेंगे नहीं करेंगे। पैरालिसिस ऑफ मसल यूज इन स्वेलिंग, स्वेलिंग के लिए जो मसल यूज करते हैं उनका पैरालिसिस हो गया तो आप ओरल कैविटी से तो कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि ओरल कैविटी से आप करोगे तो जिससे कि जितना भी फ्लूड होता है स्प्रेड करके ट्रेकिया में चला जाएगा, जाना चाहिए किसके अंदर इसोफेक्स के अंदर। सीवियर नेक और माउथ इंजरी, नेक और माउथ में सीवियर इंजरी है उस कंडीशन में ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। वोकल कॉर्ड का पैरालिसिस है उस कंडीशन में अपने को क्या करते हैं ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। स्ट्रिडर साउंड रेस्पिरेशन ड्यू टू एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्रिडर साउंड कब आती है जब बहुत ज़्यादा थिक सिक्रीशन होता है और उस कंडीशन में स्ट्रिडर साउंड आती है, तो उस कंडीशन में ट्रेकियोस्टोमी करके अपने प्रॉपर सक्शनिंग करते हैं जिसके थ्रू अपने क्या करते हैं जो एक्सेसिव सिक्रीशन की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है उसको रिमूव आउट करते हैं। नेक्स्ट है बच्चे ऑब्स्ट्रक्शन इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन है या इनटॉलरेंस ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब, एंडोट्रेकियल ट्यूब जो ओरल कैविटी के थ्रू ट्रेकिया में डाली जाती है जिनको एंडोट्रेकियल ट्यूब बोलते हैं। अब पेशेंट 21 दिन तक एंडोट्रेकियल ट्यूब अपने रख सकते हैं, 21 दिन से अगर ज़्यादा करना होता है तो ट्रेकियोस्टोमी करते हैं। रेस्पिरेटरी फेल्यूर का मतलब है यहाँ पे मेडुला ऑब्लॉगेटा होता है जिनको रेस्पिरेटरी सेंटर के नाम से जाना जाता है, ये भी क्वेश्चन आता है, मैंने आपको पढ़ा भी दिया था रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी सेंटर या कार्डियक सेंटर कहाँ पे होता है, मेडुला ऑब्लॉगेटा में होता है। अगर वो काम नहीं करते हैं तो दैट टाइम अपने को आर्टिफिशियल एयरवे मेंटेन करना पड़ता है। हेड नेक और चेस्ट इंजरी है उस कंडीशन में भी अपने को क्या करना पड़ेगा आर्टिफिशियल या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, वेगस नर्व आती है, फ्रेनिक नर्व आती है, वेगस नर्व हार्ट को सप्लाई करती है, फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को सप्लाई करती है, डायफ्राम अप डाउन नहीं जाएगा उस कंडीशन में भी अपने को क्या करना पड़ता है आर्टिफिशियल एयरवे मेंटेन करना पड़ता है, ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है। तो ये कुछ इंडिकेशन थे जिनमें से एक आधा इंडिकेशन डाल देते हैं, कई बार ध्यान रखना। क्वेश्चन है आपके सामने बच्चे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट कम इन कैजुअल्टी विद स्ट्रिडर रेस्पिरेशन। मैंने बोला था ना इंडिकेशन से आता है, ये रहा स्ट्रिडर रेस्पिरेशन, तो आप क्या करोगे प्रोवाइड फाउलर पोजीशन इन फोरम टू डॉक्टर, कलेक्ट आर्टिकल फॉर ट्रेकियोस्टोमी, परफॉर्म ट्रेकियोस्टोमी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से यहां पे आंसर पुट कीजिए एवरीबॉडी, शानदार क्वेश्चन है बच्चे। यहां पे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का डालता तो भी यही आंसर सेम जाता, क्या करेंगे। अब यहां पे दो है, खा गए ना मात, कोई बात नहीं बच्चे, अब डी वाले सी पे आ जाओ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन को समझने की कोशिश की है। सबसे पहले क्वेश्चन को कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है बच्चे, एम्स पूछता है इस टाइप के क्वेश्चन, तो क्या होगा कलेक्ट आर्टिकल फॉर ट्रेकियोस्टोमी अगर ऑप्शन में आता है तो फर्स्ट प्रियोरिटी आपको सी रहेगी, अगर कलेक्ट आर्टिकल फॉर ट्रेकियोस्टोमी ऑप्शन में नहीं है तो आपका आंसर क्या माना जाएगा परफॉर्म ट्रेकियोस्टोमी सेकंड प्रियोरिटी का रहता है बच्चे, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अपने को जीनियस एकेडमी के स्टूडेंट को कोई कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने, ये क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर डाल दिया मैंने, तीन ऑप्शन चार ऑप्शन नहीं दिए हैं। व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ए पेशेंट कंप्लेन स्ट्रिडर आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी करने के बाद स्ट्रिडर का मतलब हाई पिच साउंड आती है जो किसकी वजह से आती है थिक सिक्रीशन होने की वजह से आती है, तो एज ए नर्सिंग ऑफिसर क्या करोगे आप, अरे स्ट्रिडर साउंड आ रही है मतलब सिक्रीशन है वो ट्रेकिया के अंदर आके रुक गया है जिसकी वजह से साउंड आ रही है, आप क्या करोगे उस सिक्रीशन को निकालोगे, निकालने वाला मेथड आपको पता है जिसको सक्शनिंग बोलते हैं। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ध्यान रखना आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी पहला ऑप्शन ये मिलेगा आपको परफॉर्म ट्रेकियोस्टोमी, ऐसा नहीं करना होता, ट्रेकियोस्टोमी तो कर रखी है तो क्या करेंगे सक्शनिंग करेंगे, जो थिक सिक्रीशन उसको बाहर निकालेंगे और जो स्ट्रिडर की कंप्लेन कर रहा है पेशेंट उससे उसको क्या मिलेगा आराम मिल जाएगा सक्शनिंग के बाद।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट व्हेन 2 ईयर एज चाइल्ड कम इन कैजुअल्टी आफ्टर स्वेलो द एसिड। स्वेलो द एसिड केरोसिन का नाम आया था, उसी से रिलेटेड है ये। ऊपर गैस्ट्रिक लिवाज करेंगे या ट्रेकियोस्टोमी करेंगे, यूज एंटीडोट, इनफॉर्म टू डॉक्टर। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से एवरीबॉडी पुट द राइट आंसर। यहां पे बी ऑप्शन आ रहे हैं कुछ स्टूडेंट के, सोच लो अभी भी गलत हो सकता है सही भी हो सकता है, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, आपके सामने है। अब कुछ स्टूडेंट ने, पुष्पा और अंकिता ने डी डाल दिया, रजत ने ए डाल दिया, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए क्या आंसर जाएगा। अरे महामूर्ख प्राणियों, अभी तो मैं करवा के आया हूं, गैस्ट्रिक लिवाज क्यों करोगे, जस्ट स्वेलो किया है इसने, ठीक है, स्वेलो का मतलब मुंह के अंदर लिया है, और मुंह के अंदर लिया था, अभी तो मैं आपको इतनी बड़ी बात बता के आया था। क्या आया था, इधर देखिए ऊपर कहां गया केरोसिन वाला, बर्न ऑफ द एयरवे फ्रॉम इनहेलेशन ऑफ कोरोसिव मटेरियल। कोरोसिव मटेरियल वही होते हैं, एसिड हो गया, एल्केलाइन हो गया, जिसकी वजह से एयरवे बर्न हो जाता है, और एयरवे बर्न की कंडीशन में क्या किया जाता है, क्या किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, एयरवे को मेंटेन करते हैं। एसिड अगर चला गया ना, इसका सक्शन नहीं होता, गैस्ट्रिक लिवाज नहीं होता इसका, कभी ध्यान रख लेना एसिड का। एसिड गया ना तो स्किन को जला जला देता है, आपने देखो ना चमड़ी के ऊपर गिरते ही उसको तो खत्म कर देता है, तो क्या इसका गवाज करोगे, क्या आप लिवाज करोगे, लिवाज कैसे करोगे, इसको बाहर कैसे निकाल के लाओगे, ये स्किन को इंजर्ड ही कर देता है, अगर वहां पे और करोगे तो इंजर्ड स्किन है वो और ज्यादा रप्चर होगी, तो क्या करते हैं, ट्रेकियोस्टोमी करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। व्हाट इज द आर्टिकल नियर बेड साइड व्हेन ए पेशेंट कम इन पेशेंट यूनिट आफ्टर थायरोडेक्टोमी लेरिंजोडेक्टोमी। क्या करोगे, इसके अंदर आता है कि पेशेंट को साइडलाइन पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, ट्रेकियोस्टोमी करेंगे, ठीक है, सक्शनिंग करेंगे, तो क्या करोगे, एक ही बात ध्यान रखना, ऊपर मैंने बताया था लेरिंजोटोमी हो गई है, ये ऐसे ही नहीं पढ़ाए, इतने सारे इसलिए डाले यहां से क्वेश्चन होता है, देखो लेरिंग्स या लेरिंजोटोमी की है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ट्रेकियोस्टोमी करना पड़ेगा, इसलिए ये इंडिकेशन है, ये अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। यहां से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या करोगे यहां पे, आप ट्रेकियोस्टोमी करोगे बिकॉज इंक्रीज रिस्क ऑफ लेरिंजियल नर्व इंजरी। अगर ट्रेकियोस्टोमी की है, लेरिंजियल नर्व इंजरी होगी जिनकी वजह से प्रॉपर एयरवे मेंटेन नहीं कर पाएगा पेशेंट, तो सबसे पहले एयरवे को मेंटेन करना होता है अपने को। नेक्स्ट है बच्चे, डिफरेंट डिफरेंट साइज की ट्यूब आती है, न्यू बॉर्न इन्फेंट के अंदर देखें तो 2.5 टू 4 एमएम की ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब साइज यूज करेंगे, 1 साल तक का बच्चा है तो 4.4 एमएम टू 4.5 एमएम यूज करेंगे, चिल्ड्रन है तो 4 टू 7 एमएम यूज करेंगे, चिल्ड्रन अप टू 10 ईयर है तो 5 टू 7 एमएम यूज करेंगे, और 10 साल से बड़ा है तो 7 से 8 एमएम यूज करेंगे। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, अडल्ट का साइज पूछा है, किसका, ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब साइज पूछा है किसके अंदर, अडल्ट के अंदर पूछा था, या तो ऑप्शन में मोर देन 7 मिलेगा, वहां पे राइट आंसर था 8 टू 9.5 एमएम, 8 टू 9.5 एमएम, तो अडल्ट से क्वेश्चन निकाला है ना, तो ध्यान रखना बच्चे, चिल्ड्रन का भी पूछ सकते हैं, इन्फेंट का भी पूछ सकता है एग्जामिनर, और हो सकता है रिपीट सीधा ये भी डाल दे, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनर ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत सारे ऐसे एग्जामिनर होते हैं कहते हैं रिपीट क्वेश्चन मैं नहीं उठाऊंगा, इसलिए अपने को डिटेल में पढ़ना है अच्छे से। अडल्ट फीमेल की बात करें तो 7 टू 8 एमएम, और अडल्ट मेल की बात करें तो 8 टू 9 एमएम की यहाँ पे अपने ट्यूब साइज है वो यूज करते हैं। एक क्वेश्चन अडल्ट का आया हुआ है जो आपके सामने है, एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज इन अडल्ट, अडल्ट में कितने साइज की करते हैं अपने, तो
8 to 9.5 mm. कितना जाएगा आंसर? 8 to 9.5 mm अपने नॉर्मली क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया बच्चे यहां पे, एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या जाता है? तो चिल्ड्रन में आपको बताया था मैंने 4 to 7 mm, यहां पे रेड हाईलाइट किया हुआ है, तो यहां पे आंसर क्या जाएगा, 4 to 7 mm। और नेक्स्ट है बच्चे यहां पे तीसरा क्वेश्चन निकला हुआ है यहां पे, एप्रोप्रिएट साइज ऑफ एंडोट्रेकियल ट्यूब यूज इन इन्फेंट। तो यहां पे आपका साइज आ जाएगा लेस देन 4 mm। ये तीन क्वेश्चन यहां पे अभी तक छोटे मोटे जो भी एग्जाम उनके अंदर आए हुए हैं तो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी देखें बच्चे, तो यहां पे दो टाइप की ट्रेकियोस्टोमी यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट। यहां पे दो टाइप की अगर करते हैं, हाई ट्रेकियोस्टोमी यूज कर सकते हैं और लो ट्रेकियोस्टोमी यूज कर सकते हैं। हाई ट्रेकियोस्टोमी का मतलब इंसिजन आर मेक सेकंड एंड थर्ड ट्रेकियल रिंग अबोव द इस्थमस। इस्थमस किसका पार्ट होता है? थाइमस ग्लैंड का पार्ट होता है, उससे ऊपर अपने नॉर्मली क्या करते हैं, यहां पे ट्रेकियोस्टोमी करेंगे। हाई ट्रेकियोस्टोमी पूछ ले सेकंड और थर्ड ट्रेकियल रिंग के अंदर करते हैं, और लो ट्रेकियोस्टोमी पूछे आपसे तो इंसिजन कहां पे लगाते हैं, थर्ड और फोर्थ ट्रेकियल रिंग के अंदर करेंगे, बिलो द लेवल ऑफ इस्थमस। यहां पे था अबोव द लेवल ऑफ इस्थमस हाई के अंदर, और इस्थमस से बिलो करते हैं किसके अंदर, लो ट्रेकियोस्टोमी के अंदर। तो ये आपको पता है बच्चे, देखिए ये थाइमस ग्लैंड है, सॉरी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड के अलग अलग लोब है, राइट लोब लेफ्ट लोब है, और ये ऊपर आपको बीच में दिख रहा है ना, ये इस्थमस है और ये थायराइड कार्टिलेज है, और उसके ऊपर अपने यहाँ पे हाइडगोन है, बीच में ये ट्रेकिया रिंग है ना, ये करते हैं इस्थमस से ऊपर और इस्थमस से नीचे, ये ट्रेकिया जा रहा है, इसके नीचे भी होता है। अपने हाई तो उसे ऊपर करेंगे, और जो लो करेंगे वो कहाँ पे करेंगे, नीचे ट्रेकियल थर्ड और फोर्थ रिंग के अंदर। यहाँ पे इस टाइप की रिंग होती है जैसा क्रसर आपको दिख रहा है। ये तो था प्लेसमेंट के हिसाब से। दूसरा बच्चे यहां पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखें तो एक होती है प्रोफाइलेक्टिक, एक होती है इमरजेंसी। प्रोफाइलेक्टिक का मतलब होता है प्लानड सर्जरी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, जैसे कि लेरिंजियल कैंसर है किसी पर्सन को, तो अपने को प्लान करके आते ही है पहले भी, लेरिंजियल कैंसर है, इसको सांस आता नहीं है, इसके ट्रेकियोस्टोमी लगानी ही लगानी है, तो यहाँ पे ऑल ओवर प्लान किया जाता है। तो यह है इंसिजन आर मेक इन हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है इस साइड से, और वर्टिकल का मतलब क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, मैं ग्रुप के अंदर भेज दूंगा इनको, हॉरिजॉन्टल साइज क्या होता है, वर्टिकल के अंदर कैसे कट लगता है। एमरजेंसी के अंदर यूज फॉर लाइफ सेविंग व्हेन द सडन रेस्पिरेशन डिस्ट्रेस ड्यू टू अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। पेशेंट है, उसके ओरल कैविटी या फेस के ऊपर पैरालिसिस आ गया, एमरजेंसी में लेके जाते हैं अपने को, ऑन द स्पॉट ट्रेकियोस्टोमी करनी पड़ती है उसकी लाइफ बचाने के लिए, उसको बोलते हैं एमरजेंसी ट्रेकियोस्टोमी। इंसिजन आर मेक इन वर्टिकल डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में करते हैं? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन है, वो दोनों के मैं पिक डाल दूं आपको ट्रेकियोस्टोमी की ग्रुप के अंदर, तो वहां से आप पढ़ लेना। एक होता है ड्यूरेशन के हिसाब से बच्चे, तीन टाइप की ट्रेकियोस्टोमी अपने करते हैं ड्यूरेशन के हिसाब से, एक होती है टेम्परेरी और एक होती है परमानेंट ट्रेकियोस्टोमी। टेम्परेरी होती है वो 14 to 21 डे के लिए यूज करते हैं, और परमानेंट होती है वो लाइफ लॉन्ग यूज की जाती है। इंसिजन साइजिंग, यहाँ पे क्वेश्चन आया हो बच्चे, नॉर्मली इंसिजन कोई भी ना डाले, यहाँ पे लो ट्रेकियोस्टोमी हाई ट्रेकियोस्टोमी कुछ भी ना डाले, सिंपल सा पूछे ट्रेकियोस्टोमी इंसिजन साइज क्या होती है आपको बताना है, एट द लेवल ऑफ सेकंड एंड थर्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया। ये क्वेश्चन रिपीटेड है बच्चे, क्वेश्चन आपके सामने किस एंगल से आया हुआ है। ट्रेकियोस्टोमी इज यूजली परफॉर्मड बिटवीन द ट्रेकियल रिंग ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या जाता है, सेकंड एंड थर्ड रिंग ऑफ ट्रेकिया। क्लियर है, ये क्वेश्चन दिमाग में बिठा लेना। मटेरियल देखें यहाँ पे बच्चे, थोड़ा सा एक मिनट बच्चे वेट कीजिए, मैं सेट कर लेता हूँ, डाटा ध्यान दिया नहीं था पहले। यहाँ पे बच्चे अपने देखे नॉर्मली, तो मटेरियल यूज, एक तो पीवीसी मटेरियल होता है,
पॉलीवेलिन क्रिस्टल के नाम से आता है ये, तो आपको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, पीवीसी नाम याद रखना है। जो टम्परेरी ट्रेक्योस्टोमी होती है वो कौन से मटेरियल की बनी होती है, पीवीसी की बनी होती है, इसकी भी मैं डिटेल डाल दूँ आपको ग्रुप के अंदर। जो दूसरी होती है परमानेंट, वो मेटल की बनी होती है, किसकी बनी होती है, मेटल की बनी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बात करें टम्परेरी, टम्परेरी दो टाइप की होती है बच्चे, एक होती है कफड़ और दूसरी होती है अनकफड़। क्या होती है, एक होती है कफड़ और एक होती है अनकफड़। कफड़ होती है वो नॉर्मली एडल्ट के अंदर यूज करते हैं, और अनकफड़ होती है वो किसके अंदर यूज की जाती है, चाइल्ड के अंदर यूज की जाती है, क्योंकि डायमीटर ऑफ ट्रेकिया क्या होता है, नेरो होता है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन निकला हुआ यहाँ से, कई बार एम्स ने पूछ लिया कफड़ ट्रेक्योस्टोमी किसके अंदर यूज करते हैं, अनकफर्ड ट्रेक्योस्टोमी किसके अंदर यूज करते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, बहुत डीपली बातें दे रहा हूं, क्वेश्चन यहां से निकले हुए हैं। कफर्ड ट्रेक्योस्टोमी पूछ ले आपको अडल्ट का बताना है, अनकफर्ड का पूछ ले आपको बोलना है चाइल्ड के अंदर यूज करते हैं। ये होता है कफर्ड और अनकफर्ड में डिफरेंस। ये देखें बच्चे नॉर्मली तो यहाँ पे बेलून लगा हुआ है इसके, और ये होती है कफर्ड, और सिंपल ही होती है अनकफर्ड वाली, देख रहे हो आप इस टाइप से अनकफर्ड होती है। ये अलग अलग पार्ट होते हैं, इसका टेप होता है, इसको फ्लैंग बोलते हैं, इसको शाफ्ट बोलते हैं, इसको कप बोलते हैं, जो बेलोन है ना बेलोन जैसा, इसको कप बोलते हैं, और ये आगे वाला होता है डिस्टल टेप बोलते हैं जिसको, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे वन वे वाल्व होती है, जिसको कप को फुलाने के लिए यूज किया जाता है, बेलोन को पिलोट बेलोन बोलते हैं इसको एक को। तो ये आपके नॉर्मली है, नेम याद नहीं रखने, सिंपल सा कप और अनकप ये ध्यान रखना। एम्स इमेज में सिर्फ क्वेश्चन डाल सकता है, ये पूछ सकता है ये ट्रेक्योस्टोमी कौन सी है, कफर्ड है, अनकम्फर्ड है, हाई है, लो है, तो आपको ध्यान रखना। ऐसे अपने बेलून अडल्ट में फुला सकते हैं, क्योंकि ट्रेकिया का साइज लार्ज होता है मेरे प्यारे बच्चों। छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट हो गया, चिल्ड्रन हो गया, उनके अंदर अपने अनकफर्ड यूज करते हैं, क्योंकि उनका ट्रेकिया क्या होता है, स्मॉल होता है। अगर कफर्ड यूज कर ली तो उनके ट्रेकिया की वॉल को इंजर्ड हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा, यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट करके जल्दी से पूछ सकते हो। फिर भी कोई डाउट रहे ग्रुप में मैसेज छोड़ देना, फिर भी डाउट रहे तो ग्रुप के अंदर सुरेंद्र सर, दीपक सर, विनोद सर तीनों के नंबर है। सुरेंद्र सर है, थोड़ा सा घर पे गए हुए हैं, आते ही पार्टी ले लेना, रिश्ता हो गया उनका, तो घर पे गए हुए हैं, तो ऑफलाइन स्टूडेंट पार्टी ले लेना। ऑनलाइन वाले जब आपका सिलेक्शन होगा तब आपको एकेडमी के अंदर बुलाएंगे हम सम्मानित करने के लिए, तब पार्टी दे देंगे आपको। द नेक्स्ट एक कल आ जाएंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीनों सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लेट स्टूडेंट जुड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है, पीछे के वीडियो देख पाओ तो अच्छी बात है, साथ साथ के वीडियो देखना, पीछे वाला भी कवर करवा देंगे हम, क्योंकि एम्स का बेंच चलाएंगे, और अभी आगे जैसी डेट आ जाएगी तो उसके अंदर भी आपको जोड़ देंगे, जिनका एडमिशन है 6 मंथ के लिए, 1 ईयर वाला किसी ने पैकेज ले रखा है, और किसी बच्चे ने टिल सिलेक्शन वाला भी पैकेज ले रखा है, तो जो बच्चों ने पैक ले रखा है उसके अकॉर्डिंग उनको बेनिफिट मिलेगा, टेंशन नहीं है। एडवांटेज ऑफ कफर्ड, ये कफर्ड जो ट्रेक्योस्टोमी है इसका क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले क्या है, स्क्यूड टू द ट्यूब, ट्यूब यहाँ पे स्क्यूर है, और दूसरा क्या होगा, ये बेलोन होता है, ये ट्रेकिया के बिल्कुल फिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से प्रिवेंट लीकेज ऑफ एयर, प्रॉपर एयर लीकेज नहीं होती, प्रिवेंट फॉर्गन बॉडी एस्पिरेशन, बाहर से कोई फॉर्गन जैसे कि मच्छर हो गया इस टाइप की कोई चीज है वो ट्रेकिया के अंदर इंटर नहीं हो सकती, और मेंटेन नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम आपको पता है कितनी होती है, 500 ml होती है। ये थोड़े से एडवांटेज है, इसको ध्यान रखना। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है लेकिन पूछ ले, एज ए नर्सिंग ऑफिसर आपको पेशेंट को बताना है एडवांटेज ऑफ कफर्ड। पेशेंट बोलता है यार ये बेलोन में क्यों यूज कराऊं, मैं तो ये कराऊंगा, तो आपको एडवांटेज बताने हैं। तीन आपको यहाँ पे एडवांटेज ऑप्शन में डाल देता है, और एक्सेप्ट बेस का क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए एडवांटेज है चारों के चारों, थोड़ा सा ब्रेन के अंदर इनकी पिक है बना के रखना। अब बड़ा क्वेश्चन बन रहा है बच्चे, ये जो बेलोन होता है इसके अंदर एयर कितनी आती है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था ना अलग अलग टाइप के एम्बू बैग कितने कितने साइज के थे, वहां से क्वेश्चन निकलता है। ऐसे ही ये बेलोन होता है, यूरिनरी कैथेटर करवाते हैं उसके अंदर कितना डालते हैं, कौन सा सोल्यूशन अपने डालते हैं, क्वेश्चन आता है। तो बेलोन में पूछ ले कफ ट्रेक्योस्टोमी में एयर कितनी पुश करते हैं,
बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, एवरीबॉडी टेल मी, अगर किसी बच्चे को पता है तो जल्दी से बताइए कफ और ट्रेक्योस्टोमी। वैसे देख भी लिया किसी बच्चे ने, थोड़ा सा अगर एक्टिव है तो, एक्टिव नहीं है तो अभी अपने कवर कर लेंगे। जल्दी बताइए बच्चे, 5 से 10 अम्मल, रेणु अमृता के 5 से 10 अम्मल आ रहे हैं, आरती 2, पुष्पा 5, पंकज 3 अम्मल। जल्दी बताइए बच्चे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आपने ऐसा डाटा नहीं पढ़ा होगा, बहुत मेहनत करके डाटा तैयार किया है मैंने, बहुत मेहनत करके डाटा तैयार किया है बच्चे। कभी पिक सेट करनी, कभी क्वेश्चन सेट करने, खुद पढ़ाते हैं ना इस वजह से सेट करते हैं। पैसे वाला टीचर कभी भी इतना डाटा नहीं देगा, उसका काम है सिलेबस कंप्लीट करना और पैसे मांगना। स्नेह रानी 3 से 5 अम्मल। अब देख लो, सपोज करो ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है, आपने बहुत पढ़ लिया, पी आर यादव, टारगेट हाई, यून क्लैक्स, पूजा सूरा 3 से 5 अम्मल। अरे 3 से 5 किसी ने देखा जरूर था, का 3 से 5 लग रहा है, लेकिन इतना नहीं देखा कि 3.5 डालते हैं। 3 से 5 आपने देखा, 3 से 5 है तो चलो कॉपी मार लेते हैं, कॉपी नहीं मारनी है ये आप लोगों को। कितनी अमल डालते हैं, 3.5 अमल ए डालते हैं, 5 डालेंगे, 10 डालेंगे, बेलोन है वो रपच्चर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, याद रख लेना। आगे से प्रेशर ऑफ एयरवे, एयरवे का प्रेशर कितना मेंटेन करते हैं, यहाँ पे देखो ये एयरवे रहता है ना, इसके अंदर प्रेशर मेंटेन करना होता है। यहाँ पे जो ये होता है, ये इसके जो वॉच टाइप स्ट्रक्चर दिख रही है, इससे कनेक्ट कर देते हैं, लेकिन प्रेशर कितना मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, तो कितना रखते हैं, 20 mm of Hg। और सेमी ओपस टू पूछ ले आपसे, आपसे पूछ ले ट्रेकियोस्टोमी के अंदर प्रेशर कितना मेंटेन करके रखते हैं मेनोमीटर में, तो यहाँ पे आपको बताना है प्रेशर सर 20 mg मेंटेन करके रखते हैं। सेमी ऑफ एस टू पूछे तो 25 to 30 सेमी ऑफ एस टू करते हैं। 1 mm of Hg होता है वो सेमी ऑफ एस टू के कितने इक्वल होता है, 1.36 सेमी ऑफ एस टू, नॉर्मली 1 mm of Hg के इक्वल होता है। प्रेशर ऑफ एयर चेकड एवरी 8 आवर, बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, मेनोमीटर के अंदर एज ए नर्सिंग ऑफिसर प्रेशर, प्रेशर ऑफ एयर है वो कितने टाइम बाद चेक करते हो, तो आपको बताना है सर 8 आवर के बाद करते हैं। यहाँ पे भी बैंड बज जाएगी बड़े बड़ों की, कोई वहाँ पे पहला 12 घंटे होता है, 24 घंटे होता है, 8 घंटे होता है, 10 घंटे होता है, तो छोटी छोटी बातें जान लो, सिलेक्शन अपना पक्का कर लो। नेक्स्ट बात करें बच्चे पार्ट ऑफ मेटल ट्रेक्योस्टोमी सेट, तो मेटल ट्रेक्योस्टोमी के अंदर पार्ट होते हैं अलग अलग, इन पार्टों को निकाल के क्लीन भी करना होता है बच्चे टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले आउटर कैनुला होता है, इसके बीच में आता है इनर कैनुला आता है, और ये होता है ट्रेक्योस्टोमी इंसर्ट करने के लिए जिनको बोलते हैं ऑब्टूरेटर, और ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है, नीचे दिख रहा है आपको। इसके बाद करें आगे, तो ये कफ होता है जो बेलून फुलाने वाला होता है, ये जो पाइप जा रही है इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन लाइन जाते हैं, इसको कफ पोर्ट बोलते हैं, सिरिंज विद एयर ऐसे अपन इसको कनेक्ट करते हैं, कितनी एयर डालते हैं, 3.5 mm, ये आउटर कैनुला होता है, और इसको अपने बोलते हैं नेक फ्लैंग, जो नेक के बाहर की साइड में रहता है, तो ये नॉर्मली इसके पार्ट होते हैं। इस टाइप के पार्ट को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। आउटर कैनुला यहां पे मैं बता रहा हूं, देखो इस आउटर कैनुला का, इनर कैनुला का, ऑब्टूरेटर का काम क्या होता है। आउटर कैनुला परमानेंट होता है एट फिक्स परमानेंट इन ट्रेकिया, दैट इज नॉट रिमूव पार्ट, अपने इसको जब तक रखते हैं ट्रेक्योस्टोमी इसको परमानेंट फिक्स कर देते हैं, किसको, आउटर कैनुला को। दूसरा है इनर कैनुला, टाइम टू टाइम रिमूव एंड क्लीन द म्यूकस, जो इनर कैनुला है इस टाइप का जो दिख रहा है ये, इसको टाइम टू टाइम अपने बाहर निकालेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि इसमें कफ आके है वो डिपॉजिट हो जाता है और जो बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को जन्म देता है। नेक्स्ट है ऑब्टूरेटर, ऑब्टूरेटर का काम होता है यूज फॉर डायरेक्ट इंसर्शन टू ट्रेक्योस्टोमी सेट इन टू ट्रेकिया, ये जो पिस्टल होता है इसको अपने क्या करें, कट लगा के और यहाँ से पीछे से पिस्टल को होल्ड करके ये ट्रेक्योस्टोमी को ट्रेकिया के अंदर है वो इंसर्ट करते हैं। ये 3 पार्ट थे। अब ये बात है बच्चे, व्हाट इज द आर्टिकल नियर बेड साइड आफ्टर ट्रेक्योस्टोमी ऑफ ए पेशेंट,
ट्रेकियोस्टोमी पेशेंट के पास कौन से आर्टिकल आपको रखने हैं, एक तो एमू बैग रखनी है, दूसरा ऑब्टूरेटर, ऑब्टूरेटर को रिमूव कर देते हैं और वहां पे पास में रखते हैं, ठीक है। ये रहता है बच्चे, इस टाइप से एमू बैग का अपने यूज करते हैं ट्रेकियोस्टोमी के अंदर, जो स्टोमा होता है उससे कनेक्ट करके। बात क्लियर हुई यहां तक? यहां तक किसी को डाउट? बहुत डीपली बहुत प्यारी प्यारी चीजें जोड़ जोड़ के पढ़ा रहा हूं बच्चे, डाटा नहीं मिलेगा। और किसी आपके क्लासमेट को कोचिंग लेनी है तो जीनियस नर्सिंग एकेडमी के विनोद सर से कांटेक्ट करने के लिए बोलिए, डाटा बहुत बढ़िया दूंगा। एवरी सब्जेक्ट का डाटा बहुत अच्छी तरह से है, क्वेश्चन साथ के साथ करवा रहे हैं, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। रही बात मौसमी और अनक्लेक्स की, उसकी भी क्लास से स्टार्ट कर देंगे एम्स की डेट आने के बाद, उसमें एम्स क्यू रहेगा, डाटा यही रहेगा। ट्रेक्यूस्टोमी आपकी क्लियर है तो ट्रेक्यूस्टोमी के जितने भी क्वेश्चन है साथ साथ हो रहे हैं, कोई पेंडिंग रहेगा तो हम आपको वो भी करवा देंगे, टेंशन नहीं लेनी आपको, हम टेंशन लेंगे, आप पढ़ते रहो। वैसे जो इनर कैनुला है बच्चे, इसकी केयर करते हैं, मैंने बोला था ना इसकी केयर करनी पड़ती है, देखो टाइम टू टाइम रिमूव एंड क्लीन टू म्यूकोसा, कैसे इसकी केयर करते हैं बच्चे। तो केयर ऑफ इनर कैनुला की बात करें अपने, रिमूव द इनर कैनुला 15 to 30 minute इंटरवल फास्ट 24 आवर आफ्टर ए ट्रेक्यूस्टोमी। सबसे पहले तो आपको 24 घंटे बाद करनी है, उसके बाद हर 15 से 30 मिनट के इंटरवल के बाद आपको क्या करना है, क्लीन करना है। आफ्टर 24 आवर देखें तो रिमूव व्हेन पेशेंट नीड, या फिर यहाँ पे 24 घंटे के बाद, 24 घंटे के बाद देखें तो 2 से 4 घंटे के बाद इंटरवल से करते हैं, लेकिन फास्ट 24 घंटे तक ध्यान रखना, 15 से 30 मिनट के इंटरवल के बाद इसको रिमूव करते हैं और उसको क्लीन करते हैं। 24 घंटे के बाद 2 से 4 घंटे इंटरवल बाद इसको रिमूव करके क्लीन करते हैं। किससे क्लीन करते हैं, बड़ी क्वेश्चन बन रहा है। सोक्ड इनर कैनुला इन 1% सोडियम बाई कार्बोनेट वाटर फॉर 10 मिनट फॉर सॉफ्टनिंग दी म्यूकस, जो म्यूकस लगा होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए। उसके बाद क्लीन म्यूकस इन नॉर्मल रनिंग टेप वाटर विद द हेल्प ऑफ ब्रूस, ब्रूस से नॉर्मल टैप वाटर के नीचे लेके उसको म्यूकस को क्लीन कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे, अवॉइड हॉट वाटर टू क्लीन द म्यूकस फ्रॉम इनर कैनुला। हॉट वाटर का यूज नहीं करना, क्योंकि आपको पता है मेटल का होता है, हॉट वाटर क्या कर देगा, इसको खराब कर देगा, बोलते हैं ना गर्म पानी से पिघल जाएगी, वो इसकी शेप चेंज हो जाएगी बच्चे। बॉइलिंग इनर कैनुला फॉर 10 मिनट, नॉर्मली अपने इसको थोड़ा सा बॉयल कर सकते हैं, ज़्यादा हॉट वाटर यूज नहीं करना होता, 10 मिनट के लिए बॉयल करना है ताकि डिस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करें। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको री इंसर्ट आफ्टर नॉर्मल, ये तो उसको क्लीन करने का तरीका होता है, बात समझ में आ गई। बाहर निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं, 24 घंटे के अंदर स्टार्ट के 15 से 30 मिनट बाद, उसके बाद 24 घंटे बाद 2 से 4 घंटे के बाद में कर सकते हैं। निकालने के बाद इसको सोडियम बाइकार्बोनेट के अंदर डाल देंगे, उसके बाद क्लीन करेंगे ब्रश से वाटर के लिए। हॉट वाटर का नॉर्मली यूज नहीं करेंगे, लेकिन बॉइलिंग थोड़ा सा इसको कर सकते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए। उसके बाद इसको वापस वो रीइंसर्ट करते हैं। बोला सर ऐसा तो बहुत कम करते हैं आईसीयू, हमने देखा है। अरे नहीं करते, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है पेशेंट, ट्रेकियोस्टोमी वाला पर्सन बचने के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि इतनी केयर कोई करता नहीं है। अदर आर्टिकल क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट रहते हैं ट्रेक्योस्टोमी के लिए, एमू बैग चाहिए, K4 जेली यूज एज लुब्रिकेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम्स ने पूछा था कि ट्रेक्योस्टोमी को लुब्रिकेट करने के लिए कौन सी जेली का यूज किया जाता है, K4 जेली का यूज किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रख लेना। 2% लिडोकेन इंजेक्शन फॉर लोकल एनास्थेटिक, लोकल एनास्थेटिक जब इंसर्ट करते हैं तो कौन से लोकल एनास्थेटिक और एक जनरल होता है बच्चे। लोकल एनास्थेटिक का मतलब पर्टिकुलर एरिया के अंदर एनास्थेटिक, जनरल का मतलब पीछे अपने लगाते हैं लंबर के अंदर, होल बॉडी के अंदर एनास्थेसिया इफेक्ट लेने के लिए। ट्रेकियल डायलेटर भी यूज करते हैं, किस लिए, यूज फॉर ओपन द एयरवे ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब इंसर्ट करने के लिए ट्रेकियल डायलेटर करता है, जो ट्रेकिया की सेकंड और थर्ड रिंग को डायलेट करता है, इजिली इंसर्ट हो जाए। ट्रेकियल डायलेटर की ये पिक है बच्चे, एम्स के अंदर पूछ सकते हैं इस इमेज का नेम क्या है, अच्छे से देख लेना। पिक भी मैं क्लास के बाद साथ के साथ वीडियो भी चढ़ जाएगी और साथ के साथ पिक भी डाल दूंगा, खुद के नोट्स बनाना चाहो खुद के बना लेना, नहीं तो वीडियो देख लेना एज यू विश।
ट्रेकियल डायलेटर यूज ओपन द एयरवे ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी। इसके अलावा डबल हुक रिट्रैक्टर का यूज किया जाता है, जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है। ये किस लिए यूज करते हैं? ट्रेकिया को विजुलाइज करने के लिए। स्किन को पकड़ के थोड़ा ऊपर की साइड में खींचेंगे जिससे ट्रेकिया विजुलाइज हो जाए, अदरवाइज इस्थमस होता है तो जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ट्रेकिया यहाँ पे देख लेना, इसका नाम है डबल हुक रिट्रैक्टर। एम्स के अंदर इमेज बेस क्वेश्चन आ सकता है। 7% एल्कोहल यूज किया जाता है, किस लिए? इंसिजन साइट को क्लीन करने के लिए। 5% बीटाडीन का भी यूज करते हैं एज ए एंटीसेप्टिंग ड्रेसिंग टू द साइट, साइट पे ड्रेसिंग करने के लिए। हाइड्रोजन प्रोक्साइड 0.5% यूज करते हैं इसको इनर साइट इन क्लीन द इनर साइट ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी, इनर साइट ऑफ द ट्रेकियोस्टोमी उसको क्लीन करने के लिए। O2 करते हैं अपने ह्यूमिडिटी के लिए नॉर्मली यूज करते हैं। क्वेश्चन यहाँ तक डाउट है किसी को? क्वेश्चन बहुत आते हैं, ट्रेकियोस्टोमी हो गया, ठीक है, CPR हो गया, जैसा कि CPR मैंने करवा भी दिया है, दोबारा भी अपने करवा देंगे जिस बच्चे ने ही तो नहीं। फंडामेंटल वीडियो ऑप्शन के फंडामेंटल ऑप्शन है, वहाँ पे देख लेना, डाउट हो तो हमसे पूछ लेना, नहीं तो नेक्स्ट आगे जो कोर्स होगा उसके अंदर आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बच्चे अंकिता, आपके क्लास से कोई बच्चा नहीं जुड़ा अभी तक, बच्चों को भी बोलिए, आप फोर्थ ईयर के अंदर हो अभी आई थिंक, बहुत अच्छा है, अभी से आप स्टडी स्टार्ट कर दी, फर्स्ट एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। व्हाट इज द केमिकल सॉल्यूशन आर यूज्ड टू क्लीन द आउटर सरफेस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5% बीटाडीन, ओके, GNM थर्ड ईयर में हो कोई बात नहीं बच्चे, थर्ड ईयर के बच्चों को जोड़ो। H2O2 और NS नॉर्मल सिलाइन क्या यूज करते हैं? बताया था अभी, देखिए ऊपर अभी मैंने बताया था आपको, इंसिजन साइट और यहां पे ड्रेसिंग साइट, क्या जाएगा राइट आंसर? थोड़ा सा ध्यान रख लेना, आउटर सरफेस ऑफ ट्रेकियोस्टोमी पूछे तो आंसर जाएगा बच्चे एंसवर सी है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोक्साइड और एनएस का यूज किया जाता है, ये ऊपर के की पॉइंट में नहीं था, ठीक है। अमाउंट कितनी लेते हैं, ये भी बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, H2O2 और एनएस की अमाउंट कितनी लेते हैं क्लीन करने के लिए? अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ H2O2 और एनएस की देखें तो अडल्ट में 3 से 5 ml लेते हैं, इन्फेंट में 1 से 2 ml लिया जाता है, नियोनेट में 0.5 ml का यूज किया जाता है। ध्यान रख लेना, बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से छोटी छोटी बातें हैं और सिलेक्शन का कारण बनती है। नेक्स्ट है सक्शन मशीन, ये भी एम्स का क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है सक्शन मशीन, ध्यान रख लेना, सक्शन मशीन का यूज किया जाता है ट्रेकियोस्टोमी के साथ, तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं। सक्शन कैथेटर, बड़ा क्वेश्चन बन रहा है बच्चे, सक्शन कैथेटर ट्रेकियोस्टोमी में इंसर्ट करते हैं, अडल्ट का साइज क्या होगा, चिल्ड्रन का क्या होगा, इन्फेंट का क्या होगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। अडल्ट में कितने साइज का सक्शन कैथेटर लेंगे जो ट्यूब के अंदर ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब में इंसर्ट करते हैं? 12 से 18 फ्रेंच का लेंगे अडल्ट के लिए, 8 से 10 फ्रेंच का लेंगे चिल्ड्रन के लिए, और 5 से 8 फ्रेंच का लेंगे इन्फेंट के लिए, ध्यान रख लेना, बड़ा क्वेश्चन है बच्चे। इसके अलावा जब भी सक्शन करते हैं तो सक्शन मशीन के यहाँ पे आपको सुई दिख रही है, घड़ी दिख रही है, वॉच दिख रही है, तो प्रेशर मेंटेन करना होता है, ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो म्यूकस मेम्ब्रेन को ही लेगा ट्रेकिया की बार, तो एक प्रेशर की लिमिट होती है बच्चे। दीवाल यूनिट सक्शन डिवाइस यूजर प्रेशर, नियोनेट में कितना प्रेशर रखते हैं? 60-80 mm of Hg प्रेशर रखा जाता है किसका? सक्शन मशीन का, ताकि कैथेटर के अंदर ज्यादा प्रेशर ना लगे, म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर ना हो। इन्फेंट के अंदर भी सेम रहता है, सॉरी इन्फेंट और चिल्ड्रन में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, 80-100 mg रहता है इन्फेंट में, चिल्ड्रन में रहता है 80-100 mg, अडोलसेंट में 80-120 mg, और अडल्ट में देखें 100 टू
50 mmHg. It can be increased up to 150 mmHg if secretion are thick. तो 100 से 150 रहता है और 150 तक अपने नॉर्मली यूज कर सकते हैं अगर सिक्रीशन क्या है ज्यादा थिक है. पोजीशन ड्यूरिंग प्रोसीजर, जब भी अपने क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं ट्रेकियोस्टोमी तो कौन सी पोजीशन दी जाती है पेशेंट को, बड़ा रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चे, रोज पोजीशन दी जाती है. ये पोजीशन भी एग्जाम में पूछ ली है एम्स ने कि कौन सी पोजीशन है, रोज पोजीशन है. क्या करेंगे, रोज पोजीशन देंगे, सेलेक्ट साइज करेंगे, सेकंड और थर्ड में देना है आपको. क्या करेंगे वहां पे एनास्थेसिया देंगे, 2% लिडोकेन देंगे, साइट को क्लीन करेंगे, क्लीन करने के बाद यहां पे क्या करेंगे इनसीजन करेंगे ब्लेड से और उसके बाद प्रेस टू साइट एंड रिमूव क्लीन ब्लड, जो क्लीन ब्लड आ रहा है उसको रिमूव करेंगे और उसके बाद इंसर्ट ट्यूब करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे बच्चे, बिफोर फिक्स द ट्यूब चेक प्लेसमेंट बाई एस्कल्टेशन मेथड. यहाँ पे आपको प्रॉपर चेक कर लेना है कि सही पोजीशन में है या नहीं, एयर जा रही है नहीं जा रही है. इसके अलावा इन्फ्लेंट एयर इन द ट्यूब एयर साउंड हेयर ऑन द बेस ऑफ लंग्स विद हेल्प ऑफ स्टेथोस्कोप. एयर यहाँ पे पुश करेंगे और लंग्स के ऊपर क्या लगाएंगे स्टेथोस्कोप लगा के साउंड सुनेंगे. अगर साउंड प्रॉपर जा रही है उसके बाद क्या कर देंगे फिक्स अप्लाई स्टिच ऑन द ट्यूब, यहाँ पे ट्यूब के चारों ओर स्टिच करके उसको फिक्स कर देंगे. उसके बाद अप्लाई रिबन इन द ट्यूब एंड टाई साइड ऑफ नेक, साइड ऑफ नेक के अंदर रिबन लगा के उसको क्या कर देते हैं फिक्स कर देते हैं. ये प्रोसीजर रहता है इंसर्ट करने का. नेक्स्ट है बच्चे पोजीशन ड्यूरिंग सक्शनिंग, इंसर्ट के दौरान कौन सी रहती है रोज, सक्शन के दौरान कौन सी रहती है सेमी फाउलर पोजीशन रहती है. ध्यान रख लेना ड्यूरिंग सक्शन पूछ ले सेमी फाउलर, ड्यूरिंग इंसर्शन पूछ ले रोज पोजीशन. इसके अलावा बच्चे नर्स ऑब्जर्व कॉमन प्रॉब्लम आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी, ट्रेकियोस्टोमी के बाद कौन सी कॉमन प्रॉब्लम है वो नर्स ऑब्जर्व करती है. अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी पेशेंट इज अनेबल टू स्पीक आफ्टर ट्रेकियोस्टोमी इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम ऑफ पेशेंट. ट्रेकियोस्टोमी के बाद पेशेंट बोल नहीं पाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. इसके अलावा बच्चे यहाँ पे नर्स प्रोवाइड पेंसिल एंड पेपर फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन विद पेशेंट, बोल नहीं पाता है तो पेशेंट की क्या इच्छा है कैसा लग रहा है ठीक है नहीं है किसी से बात करना चाहता है बोल नहीं पाता तो पेपर और पेंसिल देते हैं ताकि इंटरनल फीलिंग, जब COPD वाला होता है कैंसर वाला होता है मरने के कंगार पे ट्रेकियोस्टोमी निकाल नहीं सकते तो अपना बता सकता है वो लिख के भी ऐसे ऐसे करके आप ऐसे रहना, मेरा ये पैसा था इसको ये दिया हुआ है आप वहां से ले लेना. इस एंगल से कोई भी जो अपनी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकता है. रिस्क ऑफ फॉरगन बॉडी एस्पिरेशन थ्रू स्टोमा, स्टोमा के थ्रू जो ओपनिंग है उसके थ्रू बाहर से कोई फॉरगन मटेरियल जा सकता है तो क्या करेंगे कवर द स्टोमा विद 2.2 × 2 स्ट्राइल सेलाइन सोकड फिल्टर वेट गोज पीस. ये DSSB ने पूछा था कि आफ्टर स्टोमा फॉरगन बॉडी से प्रिवेंट करने के लिए क्या लगाएंगे, तो स्ट्राइल सेलाइन के अंदर गोज पीस है वो लगाएंगे. साइज पूछ लेते हैं 2 × 2 का यहाँ पे नॉर्मली यूज करते हैं. इसके अलावा प्रोवाइड साइकोलॉजी सपोर्ट टू ड्यू टू डिस्टर्ब बॉडी इमेज, बड़ा अच्छा था दिन में चेहरा देखता था 10 बार, चेहरा देखती थी 10 बार, अब चेहरे की तरफ देखना मुश्किल हो गया है, बेड के ऊपर एडमिट है तो इसलिए साइकोलॉजी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करेंगे. कॉम्प्लिकेशन ऑफ ट्रेकियोस्टोमी पूछ ले आपसे तो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है डैमेज द लेरिंजियल नर्व, परमानेंट वॉइस जा सकती है. ये बड़ा क्वेश्चन है बच्चे, हाइपोक्सिया हो जाता है और ट्रोमा टू एयरवे, सक्शन बार बार करते हैं तो एयरवे के अंदर ट्रोमा भी हो सकती है. ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या कॉम्प्लिकेशन आता है बच्चे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन बन रहा है. देखिए लेरिंजियल नर्व इंजरी फास्ट मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग प्रोसीजर आपसे पूछ ले तो लेरिंजियल नर्व इंजरी, सेकंड मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन पूछ ले तो न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स होने के चांस होते हैं, लंग्स के अंदर एयर है वो फील हो जाती है, थर्ड पूछ ले तो ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं. ये क्वेश्चन बन रहे हैं बच्चे, मैं डायरेक्ट हाईलाइट करके चीज को दे रहा हूँ आपको, सिर्फ आपको तो पक्का पकाया मिल रहा है, सिर्फ खाना है. ये टोपी रेडी करने के लिए कम से कम 6 घंटे लगे थे मेरे को, तब जाके ऐसा डाटा है वो सेट हुआ है बच्चे. नेक्स्ट है बच्चे इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन क्या आते हैं, तो डिसलोकेज एंड डिसप्लेस द ट्यूब, ठीक है बच्चे
किसकी वजह से ट्यूब है वो निकल सकती है बाहर अगर प्रॉपर स्टिचिंग नहीं की, कपिंग करने की वजह से या इम्प्रॉपर फिक्सेशन, प्रॉपर फिक्सेशन नहीं है जिसकी वजह से ट्यूब है वो डिसलोज और डिसप्लेस हो सकती है अपने साइड से। इसके अलावा बच्चे डिले कॉम्प्लिकेशन, आफ्टर 72 आवर के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन आता है, ट्रेक्यूमलेशिया, इट मीन्स शॉर्टनिंग ऑफ ट्रेकिया देखने को मिलता है, या ट्रेकियो इसोफेक्स फिस्टुला भी हो सकता है। आपने ज़्यादा प्रेशर से क्या लगा दिया, पिस्टल से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया जिनकी वजह से ट्रेकिया से ओपनिंग कहाँ तक चली गई है, या बार बार सक्शन मशीन है प्रेशर ज़्यादा दे दिया तो वहाँ पे जो वाल है डैमेज होके ट्रेकियो इसोफेक्स ओपनिंग हो सकती है, फिस्टुला देखने को मिल सकता है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चे, व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन नर्स एक्शन व्हेन एक्सीडेंटली ट्रेक्यूस्टोमी डिसलोज ड्यूरिंग कफिंग बाय पेशेंट। क्या करना है अगर पेशेंट कफिंग कर रहा है और ट्यूब है वो ट्रेक्यूस्टोमी ट्यूब है वो बाहर आ गई है, तो सारे ही राइट है देख लीजिए। अब यहां पे सबसे पहले हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक, पेशेंट को रोज पोजिशन देगी। दूसरा ग्रास्पिंग सूचर अराउंड द ट्यूब, मतलब उसको फिक्स करके अपने क्या करेंगे बच्चे, कोशिश करेंगे जो सूत्र है उसको ग्राफ्सिंग करेंगे। थर्ड वन ट्रेकियो डायलेटर का यूज करेंगे, उसके बाद जो ऑब्ट्यूरेटर था जिसको बाहर निकाल देते हैं उसका यूज करेंगे, वापिस इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर कॉल द एमरजेंसी टीम। ये पांच ऑप्शन है, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो इसको राइट करना पड़ेगा, दोनों ही नहीं है तो इसको राइट करना पड़ेगा, तीनों ही ऑप्शन में नहीं है ये है तो इसको राइट करना पड़ेगा, चारों ऊपर वाले नहीं है तो इसको आपको राइट करना पड़ेगा। पांच क्वेश्चन एक साथ बता दिए बच्चे मैंने आपको। नेक्स्ट है स्टेनोसिस इन ट्रेक्यूस्टोमी ट्यूब, स्टेनोसिस का मतलब ट्रेक्यूस्टोमी ट्यूब है वो नेरो हो गई है तो क्या करोगे, कोज क्या है इसका, लेक ऑफ केयर, प्रॉपर केयर ना करते जिनकी वजह से क्या हो गया, स्पूटम है वो उसके अंदर डिपोजिट हो गया, इम्प्रॉपर सेक्शन है प्रॉपर सेक्शन नहीं करते, या ज्यादा सीक्रीशन आने की वजह से ट्यूब है वो जो थिक म्यूकस था वो उसके अंदर डिपॉजिट हो गया जिनकी वजह से नेरो हो सकती है। मैनेजमेंट क्या है इसका नेरो का, असिस्ट टू पेशेंट टू फोर्सेप्स ब्रीथिंग, अगर वो जोर जोर से ब्रीथिंग करवाते हैं ये अपना क्या रहेगा, फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी। इनफ्लेट एयर इन ट्यूब विद एमूबेग, सेकंड प्रायोरिटी एमूबेग यहां से करके अपने प्रेशर लगाएंगे जिसकी वजह से जो ट्यूब के अंदर स्पूटम था वो ट्रेकिया के अंदर जाएगा, ट्रेकिया से सक्शन करके अपने बाहर निकाल सकते हैं, ये रहा सक्शनिंग करके इसको अपने क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे। नेक्स्ट है बच्चे व्हाट इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन व्हेन ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब कंप्लीट ब्लॉक्ड, ऊपर तो नेरो का था, अलग अलग प्रायोरिटी के क्वेश्चन है और यही एम्स पूछता है, यही जीएमसीएच पूछता है, यही जिप में पूछता है, ध्यान रख लेना जो चीजें बता रहा हूं आपको। कंप्लीट ब्लॉक कर तो क्या करोगे, तो फर्स्ट वन प्रायोरिटी रहती है रिमूव द ट्यूब, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा रहेगा इनफॉर्म द डॉक्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे ध्यान रख लेना। नेक्स्ट है बच्चे प्रोसीजर फॉर सक्शनिंग, सक्शनिंग कैसे करते हैं, तो सबसे पहले प्लेस द पेशेंट इन सेमी फाउलर पोजिशन, सेमी फाउलर पोजिशन के अंदर पेशेंट को अपने रखेंगे। दूसरा है सिलेक्ट एप्रोप्रिएट साइज सेक्शन कैथेटर, अडल्ट है चिल्ड्रन एंड इन्फेंट है वो यूज करेंगे। कनेक्ट द कैथेटर टू सेक्शन मशीन, डू नॉट टच एंड ऑफ कैथेटर दैट विल गो इनटू ट्रेकिया, आगे वाला कैथेटर जो ट्रेकिया में जाता है उसको आगे से टच नहीं करेंगे अदरवाइज इन्फेक्टेड हो जाएगा और लंग्स में इन्फेक्शन कोज करेगा। नेक्स्ट है बच्चे हाइपर ऑक्सीजनेटेड बिफोर इच सेक्शन पासे एक्सेप्ट पेशेंट विद लॉन्ग टर्म ट्रेकियोस्टोमी, मतलब ध्यान रखना जब भी सक्शन कर रहे हैं एक बार सक्शन किया उससे पहले 100% ऑक्सीजनेशन, फिर आपने निकाल लिया, फिर 100% ऑक्सीजन, फिर निकाल लिया। इसके बाद है इंसर्ट कैथेटर टू प्री मेजर्ड डेप्थ, आप पहले ही मेजर कर लोगे इतना अपने को इंसर्ट करना उतना ही करना है। अप्लाई सक्शन ऑन विड्रावल ऑफ कैथेटर, जब आप इंसर्ट कर रहे हो तब सक्शन प्रेशर नहीं लगाना, कब लगाना है जब उसको बाहर निकाल रहे हो तब आपको सक्शन प्रेशर लगाना, ताकि बाहर आएगा जैसे जैसे स्पूटम होगा उसको ऑब्जर्व करता जाएगा खींचता जाएगा। लिमिटेड सक्शनिंग कितनी देर कर सकते हैं, 5 सेकंड, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पे ध्यान रखना, सक्शन ट्यूब जेंटली बट नेवर मोर देन 10 to 15 seconds एट वन टाइम, ये बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, एक साथ 10 से 15 सेकंड
अपने कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, अदरवाइज पेशेंट है वो हाइपोक्सिया में चला जाएगा। और ये नेक्स्ट और क्वेश्चन बड़ा बन रहा है बच्चे, हाइपर ऑक्सीनेटेड 100% O2 पेशेंट बिफोर सक्शन टू प्रिवेंट हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया से प्रिवेंट करने के लिए 100% ऑक्सीजन दी जाती है इच सक्शन। ये क्वेश्चन है बच्चे, नर्स शुड नॉट सक्शनिंग मोर देन 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी कमेंट करके बताइए डी और सी आंसर आ रहा है। कुछ बच्चों के सी आ रहे हैं, कुछ के डी आ रहे हैं, किसी के बी भी आ रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे, एवरीबॉडी पुट द राइट आंसर। यहां प्रैक्टिस कर लो, यहां गलत कर लोगे कुछ नहीं, अपना घर है, घर में गलती करते हैं तो बख्श दी जाती है, लेकिन एग्जाम में गलती करोगे तो प्रॉब्लम होगी। अरे महान मस्ती हो, कोई बोल रहा है सी, कोई बी, कोई डी, कोई ए। अभी तो बोला था 10 से 50 सेकेंड, 50 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना, तो क्या जाएगा आंसर, सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। लिमिट सेक्शनिंग है 5 सेकेंड के बच्चे, 5 सेकेंड करना, आप मैक्सिमम 3 सेक्शन करो, 4 करो, उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं करना। ये देखो, इफ नर्स टेक मोर देन 50 सेकेंड ड्यूरिंग सक्शनिंग इंक्रीज रिस्क ऑफ, ये बड़ा क्वेश्चन बन रहा है, अगर 15 सेकेंड से ज्यादा आप सक्शनिंग कर लोगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रायोरिटी देखें हाइपोक्सिया हो जाएगा, ये ऑप्शन में नहीं है। सेकंड प्रायोरिटी है अरिदमिया, इरेगुलर हार्ट बीट, और थर्ड प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा, पेशेंट को मारना है कभी वेंटिलेटर के ऊपर, तो 15 सेकंड से ज्यादा कर देना पेशेंट के क्या जाएगा, कार्डियक अरेस्ट आ जाएगा। बड़ा क्वेश्चन बन रहा है यहां से भी, 15 सेकंड से ज्यादा कर ले तो क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रियोरिटी नर्स हाइपर वेंटिलेशन प्रोवाइड 100% O2 टू द पेशेंट फॉर 1 to 2 मिनट जस्ट बिफोर स्टार्ट सक्शनिंग। सक्शन करने से पहले 1 से 2 मिनट पहले 100% आपको O2 देनी है, उसके बाद नर्स इनिशिएट टू द सक्शन ड्यूरिंग विड्रावल ऑफ द सक्शन कहते टू प्रिवेंट अरिदमिया। जब आप कैथेटर को बाहर निकालते हो उस टाइम आपको क्या करना है, सक्शन करना है। नेक्स्ट है डेप्थ इंसर्ट सक्शन कैथेटर अप टू वेयर रेजिस्टेंट मीट टू कैथेटर इन द ट्रेकिया। उतना इंसर्ट कर दोगे जब तक अपने आप जा रहा है, जहां पे लग रहा है कैथेटर रुक गया है उसे ज्यादा आगे आपको प्रेशर नहीं करना, क्योंकि वो वॉल के लग जाता है, उस टाइम अगर सक्शन किया तो म्यूकस मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। फोर्सफुल सक्शन कैथेटर शुड नॉट इंसर्ट, आपको जहां तक जा रहा है उतना ही आपको इंसर्ट करना है, ज्यादा प्रेशर से आपको इंसर्ट नहीं करना। नेक्स्ट है यूज सक्शन प्रेशर अकॉर्डिंग टू एज क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया मैं आपको ऊपर बता चुका हूं, नियोनेट इनपेंट चिल्ड्रन में कितना करते हैं। लिमिटेड सक्शनिंग कितनी होती है, 15 सेकेंड तक करते हैं, एक आप 5 सेकेंड में कर सकते हो, 3 पासेज आप कर सकते हो। डिसकंटिन्यू हार्ट ड्रॉप बाय 20 इंक्रीज बाई 40 प्रोड्यूज अरिदमिया एंड डिक्रीज O2 90% तक। तो डिसकंटिन्यू इफ हार्ट ड्रॉप 20, मतलब हार्ट रेट उसकी कितनी थी, 72 थी, 20 हो गई डाउन है, मतलब 70 से आगे तो 50 आ गई, तो उसको क्या हो सकता है, अरिदमिया हो सकता है बच्चे, इस बात को ध्यान रखना। ये आपको देखो इस टाइप से सेक्शन के डेटर वो इंसर्ट करते हैं, भाई साहब कर रहे हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ सक्शनिंग की बात करें, हाइपोक्सिया, ट्रोमा ऑफ एयरवे, नोजोकोमिनल इन्फेक्शन हो सकता है, कार्डियक डिसरिदमिया मतलब कार्डियक रेस्ट और एरिदमिया की कंडीशन डेवलप हो सकती है सक्शनिंग की वजह से। नेक्स्ट है बच्चे टेक्निक टू मिनिमाइज और डिक्रीज द कॉम्प्लिकेशन, तो सक्शन अपने को जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम हो और चांस उसके डिक्रीज करें, तो सक्शन ओनली एज नीडेड, जब पेशेंट को प्रॉब्लम है तभी सक्शन करना है। स्ट्राइल टेक्निक का यूज करना है, हाइपर ऑक्सीनेटेड करना है, सेफ कैथेटर साइज यूज करना है। अडल्ट वाला अगर इनपेंट में यूज कर लिया तो उसकी ट्रेकिया की म्यूकस मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा। ट्रेकियोस्टोमी केयर के अंदर देखें बच्चे यहाँ पे तो क्या करेंगे, एलवेज यूज स्टैंडर्ड प्रिक्वेशन, आपको प्रॉपर स्ट्राइल टेक्निक यूज करनी है। एलवेज सक्शन द ट्रेकियोस्टोमी प्रीवियर टू द रिमूव द ओल्ड ड्रेसिंग, ओल्ड ड्रेसिंग रिमूव करने से पहले सेक्शन करना है। रिमूव एंड क्लीन इनर कैनुला, टाइम टू टाइम इनर कैनुला को क्लीन करना है, कैसे करना है मैं बता चुका हूँ।
यूज ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन प्रोक्साइड नॉर्मल सेलेंट टू क्लीन इनर कैनूला, ये बात भी मैं ऊपर आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट है बच्चे स्पेशियल प्रिक्वेशन और नर्सिंग केयर फॉर ट्रेक्योस्टोमी पेशेंट। तो वाइटल साइन एंड एबीजी स्टेटस शुड बी मॉनिटर फ्रिक्वेंटली आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद एबीजी करवा कर देखनी है ताकि आपको O2, CO2, pH का आपको प्रॉपर पता लग जाए। इनकोरेज पेशेंट फॉर डीप ब्रीथिंग एंड कपिंग एक्सरसाइज, बहुत ही बड़ी बात बताई है, पेशेंट को डीप ब्रीथिंग और कपिंग के लिए बोलना ताकि जो लंग्स से कप है वो ज्यादा से ज्यादा ट्रेकिया तक आए और ट्रेकिया से सेक्शन करके बाहर निकाल लेंगे। ऑब्जर्व पेशेंट फॉर 24 to 48 आवर आफ्टर रिमूविंग फॉर ट्रेक्योस्टोमी फॉर रेस्पिरेशन डिस्टे। आप पेशेंट खुद सांस लेने लग गया तो 24 से 48 घंटे तक उसको हॉस्पिटल से छुट्टी नहीं देते, ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, प्रॉब्लम आती है तो वापिस रीइंसर्ट करते हैं, प्रॉब्लम नहीं आती है तो उसको फिर डिस्चार्ज कर देते हैं। वाट द साइन ऑफ इन्फेक्शन सच एज रेडनेस ऑफ स्किन ड्रेनेज पस फ्रॉम द सर्जिकल साइट। सर्जिकल साइट से कोई रेडनेस तो नहीं है, पस फॉर्मेशन तो नहीं है, है तो अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और जो भी एंटीबायोटिक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, अमोक्सिक्लेव 600 mg चलती है और इसके अलावा इंजेक्शन चलते हैं IV। इसके अलावा बच्चे लास्ट अपने बढ़ रहे हैं डॉक्यूमेंटेशन, तब जाके आपका ट्रेक्योस्टोमी कंप्लीट होता है। बहुत जगह आपने पढ़ा होगा लेकिन जो मैं करा रहा हूँ बहुत डीपली डाटा है बच्चे, एक जगह से नहीं है, 50 जगह से मिक्स करके डाटा तैयार किया गया है। रिकॉर्ड द प्रोसीजर, अमाउंट ऑफ सिक्रीशन, कितना अमाउंट में सिक्रीशन आपने बाहर निकाला है, कलर ऑफ सिक्रीशन क्या था, अड्रो म्यूकस क्या थी, क्लाइंट ब्रीथिंग स्टेटस बिफोर एंड आफ्टर। पहले उसको जैसे कि सांस अच्छे से नहीं आ रहा था और सक्शन करने के बाद अच्छे से आ रहा है, तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। एक क्वेश्चन और पूछा था डी कैनुलेशन, एम्स ने पूछा था व्हाट इज द मीन ऑफ डी कैनुलेशन, इसका मतलब है प्रोसेस ऑफ रिमूव ऑफ ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब। ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब का रिमूव करना ही कहलाता है डी कैनुलेशन। 2016 में पहली बार आया था, 99 बच्चों ने गलत किया था क्योंकि इतना ट्रेक्योस्टोमी उस टाइम पढ़ाते नहीं थे। आजकल डीपली डाटा पूछते हैं तो पूरा डीपली पढ़ाना पड़ता है बच्चे। इसी के साथ आपका ट्रेक्योस्टोमी ट्यूब खत्म होता है। आज की क्लास आपकी यहीं पे संपन्न करेंगे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट करके अभी भी पूछ सकते हैं, मैं 5 मिनट अभी भी लाइव हूँ। बहुत अच्छी तरह से मैंने कोशिश की है, फिर भी कोई डाउट है